चलिए तो आज देखेंगे हम कोरबा जिले के बारे में, और कोरबा जिले के संदर्भ में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, साथ ही साथ देखेंगे हम प्रशासनिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, और उसके अलावा वहाँ की औद्योगिक स्थिति कैसी है, यानी कि आर्थिक स्थिति कैसी है, और साथ ही साथ भौगोलिक स्थिति कैसी है। ठीक है, इन चार बिंदुओं पर मुख्यतः हमारा फैक्ट फोकस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, पहले तो कोरबा जिले के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो कोरबा जिला है, इस कोरबा जिले को हम ऊर्जा की नगरी कहते हैं। ठीक है, यह हमारा कोरबा जिला जो है, इसे हम ऊर्जा की नगरी कहते हैं, और साथ ही साथ इसके बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंस फैक्ट हैं, क्योंकि देखिएगा कि सामान्य तौर पर हमारे मिनरल्स का जो क्षेत्र है, ठीक है, मिनरल्स का जो क्षेत्र है, या फिर आप अपने ऐतिहासिक क्षेत्रों को देखेंगे, तो सभी जगह पर ये कोरबा जो है अपने आप में अद्वितीय है। ऐसा क्यों कह सकते हैं? बिकॉज अगर आप कहेंगे कि ऐसा राजवंश जो लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया, कलचूरी राजवंश, उसकी पहली राजधानी कहाँ है? तो माढ़, कोरबा में। ठीक है, दूसरा कि अगर हम अपने औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र आपको कहाँ मिलेंगे? कोरबा क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल आपके जो बिजनेस फैक्ट्री, जितने भी जैसे बाल्को है, NTPC है, ठीक है, स्याही मुड़ा में सीपेट है, तो ये सभी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर आप छत्तीसगढ़ को ध्यान से देखें, तो आप अगर आप समझ पाएंगे कि जो मध्य क्षेत्र हमारा है, यानी छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, प्रादेशिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जो मध्य क्षेत्र है, ये मध्य क्षेत्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यही आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि दंतेवाड़ा क्षेत्र या फिर बस्तर क्षेत्र किस तरीके से, या सरगुजा क्षेत्र किस तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कि कोरबा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो कोरबा के संदर्भ पर याद रखिएगा कि कोरबा जो है ये 25 मई 1998 में, ठीक है, 25 मई 1998 में स्थापित किया गया या गठन किया गया कोरबा का। ठीक है, अब कोरबा के साथ आपको जानकारी होगा कि कोरबा के साथ अन्य जिले भी बने थे। ठीक है, लेकिन अगर हम मातृ जिला की बात करते हैं, तो मातृ जिला इसका क्या है? बिलासपुर इसका मातृ जिला है। ठीक है, तो बिलासपुर इसका मातृ जिला है, और इस मातृ जिला से कोरबा जिले का गठन हुआ। ठीक है, अब इस गठन के बाद याद रखिएगा कि जब हम इस गठन के बाद बात करते हैं कि कोरबा जिले की प्रशासनिक स्थिति क्या है, यानी कोरबा जिले जो है वर्तमान में किस प्रशासन की स्थिति से चल रहा है, और अगर हम बात करें कोरबा जिले की, तो देखिए कोरबा जिला जो है एक सुव्यवस्थित जिला कहलाता है। सुव्यवस्थित जिला इसलिए कहते हैं इसको, क्योंकि ये व्यवस्थित तौर पर आपको हर एक क्षेत्र जो है, जैसे देखिएगा जब भी हम किसी शहर की स्थापना करते हैं, तो वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ की सड़कें, वहाँ की बिजली, इस पूरे जो सिस्टमेटिक जो एक सिटी के लिए जरूरी होता है, उस तरीके से उसको बनाना पड़ता है। ठीक है, यदि आप तुलना करें बिलासपुर और आपके कोरबा की, तो आपको दोनों में अंतर नजर आएगा। ठीक है, कि कोरबा जो है एक सुव्यवस्थित सिटी या शहर के तौर पर दिखेगा आपको, लेकिन बिलासपुर में आपको दिखेगा कि कोई भी सड़क व्यवस्था या फिर कोई भी जो यहाँ की व्यवस्था है, ठीक है, घरों का जो निर्माण हुआ है वो व्यवस्थित तौर पर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर आए दिन देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर होना। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम हमेशा फेल होता है यहाँ पर। ठीक है, पानी ज़्यादा बरसती है या थोड़ी सी स्थिति खराब होती है, तो सड़कों पर पानी जम जाता है। तो ये है क्या है, शहरों का अपना एक व्यवस्थित तरीका होता है। तो कोरबा जो है एक थोड़ा सा व्यवस्थित सिटी है, व्यवस्थित शहर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोरबा जो है इसके अंतर्गत आप देखेंगे कोरबा जिले के अंतर्गत, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि यहां का जो क्षेत्रफल है वो है 7,145 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 7,145 वर्ग किलोमीटर मतलब काफी बड़ा क्षेत्रफल है इसका, इसलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का भूआवेशित प्रदेशों में सबसे बड़ा जिला। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास काफी बड़ा क्षेत्रफल है, और साथ ही साथ ये क्या है, भूआवेशित है, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब देखिएगा जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या जो है यहाँ की जनसंख्या लगभग 12 से 13 लाख के बीच में है यहाँ की जनसंख्या। ठीक है, 12 से 13 लाख के बीच में है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ की साक्षरता की बात करते हैं, तो यहाँ साक्षरता जो प्रतिशत है, लिटरेसी रेट जो है, ठीक है, वो 72% का है। ठीक है, लिंगानुपात की बात करते हैं, तो लिंगानुपात जो है यहाँ का बाकी क्षेत्रों से, यानी छत्तीसगढ़ का जो कंप्लीट, ठीक है, लिंगानुपात है, जैसे हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात क्या है, तो 991 यहाँ का लिंगानुपात है। ठीक है,
लेकिन यहां से काफी कम है यहाँ का लिंगानुपात, कोरबा का लिंगानुपात याद रखिएगा। तो कोरबा का जो लिंगानुपात है या सेक्स रेशियो है वो है 969, ठीक है। तो 969 जो यहाँ का लिंगानुपात है ये काफी कम माना जाता है याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें कंपेयर करेंगे तो लगभग डिफरेंस कितने का आएगा, 1031 का है ना, तो 31 का डिफरेंस काफी ज्यादा होता है 1000, ठीक है, पुरुषों में महिलाओं की संख्या, ठीक है। और ये आप ये समझ पा रहे हैं कि साक्षरता जब यहां पर 72% है और लिंगानुपात इतनी गिरावट क्यों है, तो इसका मुख्य कारण है कि विकसित क्षेत्रों में क्या होता है, देखिए हालांकि आज वर्तमान क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नजर आता है, अगर आप सोचते हैं कि हमें कहीं पर घर लेना है या फिर किसी तरीके से उस सिटी में रहना है, तो आप उसके बारे में सबसे ज्यादा समझते हैं कि आपका जो तीन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला होता है सड़क, बिजली, पानी, इसके अलावा फिर आप क्या करते हैं, हॉस्पिटैलिटी देखते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं देखते हैं, और इसके अलावा यातायात का साधन देखते हैं किस तरीके से यातायात का साधन वहां पर मिलता है, ठीक है। तो ये सभी व्यवस्था जो है शुरुआती तौर पर कोरबा में एकदम डायरेक्टली नहीं था, ठीक है, अगर आप ये तीन चीजें की बात करेंगे तो ये बिल्कुल समय दौरान एकदम बिल्कुल बनता चला गया, ठीक है। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य व्यवस्था और बाकी यातायात व्यवस्था को पूर्णता देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल जाता है यहाँ पर, ठीक है, यानी इसके इतिहास में इस प्रकार की कमी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, और चूंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसी का एक हिस्सा है तो यहाँ लिंगानुपात कम होने का भी बहुत सारे कारण है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ की तहसील की बात कर लें तो याद रखिएगा शुरुआती तौर पर यहाँ पर तहसीलों की संख्या 5 थी, ठीक है, वर्तमान में कितनी है, 7, ठीक है, वर्तमान में 7 तहसीलें हैं, डिस्कस करेंगे कौन कौन सी तहसीलें हैं याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अगर छत्तीसगढ़ के जिलों के तौर पर बात करें तो भूभाषित रूप से सबसे बड़ा जिला है, 7145 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र है, इसी के अंतर्गत सबसे बड़ा तहसील भी है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील यहीं पर भी है, ठीक है, यानी पौड़ी उपरोड़ा की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तो पौड़ी उपरोड़ा जो है ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तहसीलों में काउंट होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा यदि हम यहां पर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां पर विधानसभा क्षेत्र जो है ये 4 है, लोकसभा की बात करते हैं तो एक आपका कोरबा जो है लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है, कोरबा और कटघोरा, ठीक है, सामान्य विधानसभा क्षेत्र है कोरबा और कटघोरा, इसके अलावा पाली और रामपुर, ठीक है, पाली और रामपुर जो है ये एसटी कैटेगरी के विधानसभा क्षेत्र हैं याद रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखना इसलिए जरूरी है, कारण ये है कि यदि आप ऐसा याद रख लेते हैं तो इससे आपको ये कंफर्मेशन मिलता है, कभी कभार क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्षेत्र किस कैटेगरी से बिलोंग करता है विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है, और आपको जानकारी होगा कि 2026 तक कोई भी जो सीट की संख्या है उसमें ना उसे बढ़ाई जा सकती है और ना ही उसे घटाई जा सकती है, इसका समय तय कर दिया गया है 2026 तक, ठीक है, आने वाला समय है 2026, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, यदि हम यहां पर सड़कों की बात करें, ठीक है, प्रशासनिक तौर पर यदि हम सड़कों की बात करें और नगर निगम की, पहले तो नगर निगम देख लेते हैं, तो यहां पर नगर निगम 1 है, ठीक है, कोरबा नगर निगम, ठीक है, नगर पालिका परिषद 2 है यहां पर, ठीक है, तो इसके क्रम पर थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा कि नगर निगम 1 है आपका यहां पर, और सड़क की बात कर लें यातायात या परिवहन की या नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे के लिए याद रखिएगा कि यहां पर मुख्यतः 2 नेशनल हाईवे हैं, 130 NH 130 और 149B, ठीक है, 130 और 149B, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा क्रम से याद रख लीजिएगा, 130 और 149B जो है ये नेशनल हाईवे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैपिंग के थ्रू भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहां पर थोड़ा सा क्रम से याद रख लीजिएगा कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है पहले तो कोरबा को किस किस उपाधि के नाम से जाना जाता है, तो पहला हमारा ऊर्जा की नगरी है, ठीक है, और सबसे ज्यादा मिनरल्स में राजस्व देने वाला जिला भी है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि कोयले में सबसे ज्यादा राजस्व कहां से आता है तो कोरबा से आता है, ठीक है, दूसरा ऊर्जा की नगरी कहा जाता है, ठीक है, और भूआवेशित क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कहलाता है, ठीक है। तो ये 3-4 बातें यहां पर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कोरबा में और क्या क्या चीजें हैं, तो देखिएगा कोरबा में आधे से अधिक चीजें हैं यहां पर, जैसे
अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहाँ पर है, ठीक है, या किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द, या छत्तीसगढ़ का काश्मीर किसे कहा जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का दूसरा गोवा, ठीक है, या गोवा कहा जा सकता है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द मिलते हैं जहाँ पर लगता है कि हम कंपेयर करते हैं अगर इंडिया के सापेक्ष और अदर कंट्रियों से, तो हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें शब्दानुक्रम पर मिल जाता है, ठीक है, चलिए डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन फिलहाल देखिएगा कि कोरबा जिला के अंतर्गत प्रशासनिक स्थिति जो है, ये वर्तमान की प्रशासनिक स्थिति है, ठीक है, और उसके हिसाब से यदि हम यहाँ की सामाजिक स्थिति पहले मैप पे देखते हैं, चलिए इसके तो मैप में देखिएगा आज के वर्तमान स्थिति के अनुसार कोरबा की जो स्थिति है, ठीक है, तो आप उसको देखेंगे कि ये 9 जिलों को क्रम करता है, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला आपका जिला है, ठीक है, तो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है, सीमावर्ती जिले, तो देखिएगा इसका मुख्यालय है कोरबा, ठीक है, और इसी के क्रम पर थोड़ा सा याद रखिएगा कुछ क्षेत्र हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके आउटर जिले को देखते हैं तो ये कोरबा है, कोरबा का ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है इसे कहते हैं हम लोग बिलासपुर, ठीक है, और बिलासपुर से उत्तर की तरफ जाएंगे आप तो ये हिस्सा जो कहलाता है गोरेला पिंडरा मरवाही का जिला, ठीक है, और उसके बाद देखिएगा वर्तमान की स्थिति, देखिए आज मैं वर्तमान में आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने, ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट ने हमको ये बात बता दी है लेकिन कहीं पर भी गवर्नमेंट ने ये मैप नहीं निकाल के दिखाया कि मैप कैसा होगा, ठीक है, कहीं भी इसकी कोई जानकारी नहीं है, और गवर्नमेंट के हिसाब से मैप जो है, ठीक है, आज जो इसको हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग ये मैप देखते हैं, ये जो मैप है आपके सामने, ये गवर्नमेंट के बताए हुए तरीके से मैंने इसे ड्रॉ किया है, यानी गवर्नमेंट का मैप नहीं है ये, ठीक है, तो हम इस पर अगर काम करते हैं, इस मैप पर काम किए हैं, तो सिर्फ गवर्नमेंट के बताए हुए तरीके से हमने ड्रॉ किया इसको, ठीक है, आप जो भी नेट पे सर्च करते हैं विकिपीडिया या फिर जो भी क्षेत्र, तो उसमें आपको ये कोरिया जो है ये स्पर्श करता होने जाता है किस पे, सीधे से पैक हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये पूरी तरीके से ये पूरी तरीके से जो है इस पर काम नहीं करता, ठीक है, कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र पर नहीं आता ये, ठीक है, तो आप यहां पर देख पाते हैं कि जो हमारा ये जो क्षेत्र है ये पहले ब्लॉक हो जाता था कुछ इस तरीके से, तो चूंकि हमें ये बताया गया गवर्नमेंट ने ये राजस्व पत्र पर निकाला कि पुनः जब इसका रेशियो बढ़ाया गया तो खड़गवां क्षेत्र को काटते हुए, ठीक है, कोरिया को कोरबा से स्पर्श कराया गया है या उसके दोनों बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, तो ये ओरिजिनल मैप नहीं है, आपको पहले बता देता हूं, और ना ही गवर्नमेंट ने कोई मैप निकाला है, तो हम इसी परिदृश्य में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके राजस्व पत्र में जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से हम इसको पढ़ रहे हैं, वरना इससे पहले क्या होता था कि कोरिया जो है बीच में ब्लॉक हो जाता था और सिर्फ मनेंद्रगढ़ जो है कोरबा को टच करता था पहले, ठीक है, तो वर्तमान स्थिति के अनुसार ऐसा नहीं था। चलिए आगे देखिएगा, चलिए देखिएगा फिर से, ठीक है, चलिए देखिएगा मैप के क्रम पर, पहले तो हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय है आपका कोरबा, ठीक है, मुख्यालय है आपका कोरबा, ठीक है, और इसी क्रम पर देखिएगा कि आउटर जिले को देखें तो यहां पर है आपका बिलासपुर, ठीक है,
यह क्षेत्र कहलाता है आपका गोरिल्ला पिंडरा मरवाही का क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहां पर है आपका मनिंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, ठीक है। मनिंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, और उसके बाद यह क्षेत्र कहलाता है आपका कोरिया, ठीक है। कोरिया के बाद ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है उस हिस्से में देखिएगा सूरजपुर और उसके बाद सरगुजा भी आता है, ठीक है। और जैसे ही उसके नीचे उतरेंगे आप तो नीचे का जो हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा है रायगढ़ का, ठीक है, रायगढ़। और रायगढ़ के बाद इस तरफ आएंगे आप तो ये हिस्सा बनेगा शक्ति, नया जिला और उसके बाद जांजगीर चापा, ठीक है। तो ये देखिए काउंट कीजिएगा कि इसमें कितने जिले आ जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक, ठीक है, याद रखिएगा इस जिले को सर्वाधिक जिले जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। और इससे अधिक दो ही आपको जिला याद रखना है, एक आपको कोरबा याद रखना है, दूसरा बलौदा बाजार याद रखना है, ठीक है। तो लेकिन कोरबा जो है सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अब देखिएगा कि सरगुजा के क्षेत्र से आपका रूट आता है, ठीक है, जो बिलासपुर की तरफ चला जाता है, ठीक है। सरगुजा के क्षेत्र से एक रूट आता है और बिलासपुर की तरफ चला जाता है, यह रूट कौन सा है, NH 130, ठीक है। कोरबा से होकर नहीं जाता है, याद रखिएगा, कोरबा क्षेत्र से होकर नहीं जाता है, ठीक है। तो यह जाता कहां तक है, तो याद रखिएगा यह जो रूट है, यह जो क्षेत्र है वो कहलाता है कटघोरा, ठीक है, कटघोरा। और इस जगह पर आप याद रखेंगे कि यह जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है पाली, ठीक है। तो पाली, कटघोरा, कोरबा, और इसके बाद देखिएगा यह जो क्षेत्र है पौड़ी उपरोड़ा का क्षेत्र है, ठीक है, पौड़ी उपरोड़ा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यह हो गया आपके पौड़ी उपरोड़ा और यह है आपका यहां पर करतला, ठीक है, करतला। अब कोरबा रूट में देखिएगा इस तरफ है आपका हल्दीबाड़ी क्षेत्र, ठीक है, और एक क्षेत्र है आपका यहां पर दर्री, याद रखिएगा। और ये रूट इस तरीके से नीचे की तरफ चला जाता है, यहां से बनता हुआ नीचे की तरफ, ठीक है, यही रूट है आपका NH 149B, ठीक है। तो ये रूट याद रखिएगा कोरबा से होते हुए दर्री, हल्दीबाड़ी क्षेत्र और करतला। तो यहां पर जो है आपका हल्दीबाड़ी, ठीक है, हरदीबाड़ी कहा जाता है, हरदी, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये आपके तहसीलों में नया तहसील है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि यहां पर आपके पास कुल टोटल तहसीलों की संख्या कितनी हो गई है, 7, ठीक है, कोरबा में 7 तहसीलें आ चुकी है। अब इसी के क्रम पर देखिएगा, अगर आप देखेंगे कि नदी यहां पर मुख्यतः नदी का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, ठीक है, तो नदी का क्षेत्र जो है थोड़ा सा याद रखिएगा, हसदेव नदी का मुख्य क्षेत्र है ये। तो कोरिया की तरफ से देखिए, कोरिया से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से कोरिया से निकलती है, लेकिन मनिंद्रगढ़ के जिले से प्रवेश करती है, ये याद रखिएगा कि मनिंद्रगढ़ जिले से ये प्रवेश करती है, ठीक है, और कोरबा के पास से ये कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है, यह है आपकी हसदेव नदी, ठीक है। मुख्यतः यहां की मुख्य नदी हसदेव नदी, इसके लिए याद रखिएगा यहां पर 3 से 4 मुख्य नदियां हैं, ठीक है,
मुख्य नदियों के तौर पर यहाँ पर चार नदियाँ जो जानी जाती हैं, एक लीलागर नदी, दूसरी मांड नदी का भी क्षेत्र थोड़ा पड़ता है इसमें, हालांकि प्रवेश नहीं करती इसमें, लेकिन जांजगीर चांपा के क्षेत्र से, ठीक है, अभी वर्तमान में शक्ति क्षेत्र में चली जाती है, ठीक है। और दूसरा आपको बोराई नदी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, बोराई नदी। चलिए तो देखिएगा, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था पर बात करें तो देखिएगा यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है 149 भी है, ठीक है, 149 भी रहेगा, ठीक है। देखिएगा सामाजिक स्थिति की बात करते हैं तो देखिए इसकी सामाजिक जो बसावट है या मानव बसावट है उसके अंतर्गत आपको जानकारी होगा कि यहां पर जो जनजातियां निवास करती हैं वो हैं आपकी पहाड़ी कोरवा, ठीक है, पहाड़ी कोरवा मुख्य तौर पर, इसके अलावा कंवर, बिरहोर, ठीक है, ये मुख्य तौर पर यहाँ पर निवास करते हैं। जनरली आपको पहाड़ी कोरवा का नाम थोड़ा सा याद रखना है, ये जनजाति मुख्य तौर पर यही निवास करती है, ठीक है। देखिए कोरवा जनजाति जो है दो प्रकार से होती हैं, ठीक है, इनका दो स्वरूप देखा गया है जिसमें एक पहाड़ी और एक दिहाड़ी कोरवा है, ठीक है। पहाड़ी कोरवा मुख्यतः पहाड़ों पर निवास करते हैं और दिहाड़ी कोरवा मुख्यतः मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। तो पहाड़ी कोरवा का जो क्रम है ये मचान बनाकर, पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हैं, जनरली ऐसा है, ठीक है, पहाड़ों पर निवास करते हैं, ठीक है, शिकार इनका प्रमुख कार्य है। तो उस केस पे पहाड़ी कोरवा जो है ये कोरबा जन कोरबा क्षेत्र में मुख्यतः निवास करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा जो छत्तीसगढ़ में जो त्यौहार है, जो नृत्य है, जो बोली है, जो भाषा है, उसका मुख्य तौर पर यहाँ प्रयोग होता है, ठीक है। यानी अगर बोली की बात करें और भाषा की बात करें तो मुख्यतः यहाँ पर छत्तीसगढ़ी जो है बोली जाती है, ठीक है। और चूंकि बिलासपुर का असर बिल्कुल यहाँ पर है तो बिलासपुरिया भी आपको सुनने को मिल सकता है, ठीक है। तो बिलासपुरिया क्योंकि क्या कारण है तो बिलासपुर इसकी मात्र जिला है और बिलासपुर के कारण ये कट कर किससे बना हुआ है, बिलासपुर से बना हुआ है, यही कारण है कि बिलासपुर भी कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बिलासपुरिया सुनने को मिलेगा बोली के तौर पर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी जो है यहाँ पर भाषा के तौर पर जानी जाती है या फिर उसकी के क्रम पर इसे बोला जाता है, ठीक है। तो दो मुख्यतः बोली याद रखिएगा और भाषा याद रखिएगा कि बिलासपुर और छत्तीसगढ़ी, यानी बिलासपुरिया और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप त्यौहारों की बात करेंगे तो सारे त्यौहार जो कि छत्तीसगढ़ में मुख्यतः मनाई जाती है तो उन त्यौहारों में जो उत्तर छत्तीसगढ़ में मनाई जाने वाली त्यौहार है जैसे गंगा दशहरा, ठीक है, छेरता या छेरछेरा जिसे कहा जाता है, ठीक है, माघ पूर्णिमा में होने वाले, ठीक है, मेले का आयोजन, या आप रामनवमी की बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो सामान्य तौर पर उत्तर छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले हैं वो सभी यहाँ पर मनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा सामाजिक स्थिति के अनुसार यहाँ की जो सामाजिक स्थिति है मुख्यतः चूंकि ये क्षेत्र जो है मिनरल्स उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मुख्यतः अगर मिनरल्स की बात करते हैं तो कोयला, बॉक्साइट और डोलोमाइट, ठीक है, इस तरीके से मुख्य मिनरल्स हैं यहाँ पर। तो इन मिनरल्स के कारण यहाँ पर बड़ी बड़ी जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है, औद्योगिक हैं, उन उद्योगों का निर्माण यहाँ पर ज़्यादातर हुआ है और इसके कारण इन क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं, देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ की जो इनकम है, ठीक है, आय है, ये बाकी जिलों की अपेक्षा, ठीक है, अगर आप रायपुर और दुर्ग जैसे जिलों को छोड़ दें तो बाकी जिलों की अपेक्षा जैसे उत्तर छत्तीसगढ़ की या दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो उस जगह पर यहाँ के लोगों का आय ज़्यादा होगा, ठीक है। कारण क्या है, लोग यहाँ पर SSCL के तौर पर ज़्यादा काम करते हैं, SSCL कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं और प्रति व्यक्ति अगर यहाँ पर हम लोग इनकम देखते हैं तो बाकी जिलों की अपेक्षा यहाँ पर इनकम ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही कारण है कि यहाँ की सामाजिक स्थिति थोड़ी सी सुधरी हुई है या फिर बाकी जिलों की अपेक्षा थोड़ी अच्छी है, ठीक है। अब देखिएगा सामाजिक स्थिति के बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर भौगोलिक स्थिति की और उसी के साथ मैं आर्थिक स्थिति बताऊंगा। तो देखिएगा भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये जो भौगोलिक क्षेत्र है ये क्षेत्र मुख्यतः जाना जाता है मिनरल्स के कारण, ठीक है, यानी कि कोरबा जो है मुख्यतः मिनरल्स के कारण जाना जाता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है आपका कोयला, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स क्या है, कोयला, और दूसरे नंबर पे आता है बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट जो है मुख्यतः देखिएगा कि पाली से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पाली से आप स्टार्ट करेंगे कटघोरा तक तो आपको जितने नाम मिलेंगे जैसे कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, मुकुंद घाट, ठीक है, ये जितने क्षेत्र आपको दिख रहे हैं ये सभी कोयला उत्पादन के क्षेत्र हैं, ठीक है। कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, मुकुंद घाट, ये सभी क्या है,
कोयला उत्पादन के क्षेत्र हैं और सभी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सबसे बड़ा मशीनीकृत कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो आपको कोरबा का नाम याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार आपका गेवरा जो है, गेवरा कुसमुंडा जो क्षेत्र है, ठीक है, उन क्षेत्रों में ओपन कास्ट कोयला उत्पादन करने का सबसे बड़ा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्र क्या है, कोयला उत्पादन के क्षेत्र हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, यदि यहाँ की हम लोग भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं तो भूगर्भिक संरचना जो है यहाँ का वो कैसा होगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टाने पाई जाती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टाने पाई जाती हैं जिसके कारण यहाँ कोयला उत्पादन होता है। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने पाई जाती हैं वो तीन स्वरूपों में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तीन स्वरूपों में या तीन भागों में बटे हुए हैं, तो अपर गोंडवाना, मिड गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। ठीक है, तो यहाँ पर कोरबा का जो सेक्शन है उस कोरबा में आपको इस जो सीरीज है, मतलब कोरबा का जो सीरीज है उस सीरीज में आपको लोअर गोंडवाना या निचली गोंडवाना क्रम की चट्टाने पाई जाती हैं जहां पर कोयले की जो मात्रा होगी वो बिटुमिनस टाइप की होगी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसके बाद मुकुंद घाट से अगर हम लोग निकलते हैं बाहर तो हम बॉक्साइट की बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो बॉक्साइट में याद रखिएगा इन क्षेत्रों पर, ठीक है, ये जो तीन क्षेत्र दिख रहे हैं आपको, एक है आपका केरता पहाड़, देखिएगा ये है आपका केरता पहाड़ का क्षेत्र, केरता पहाड़, कुटका पहाड़ और पवन खेड़ा, ये तीनों क्या है, बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, जहां पर बॉक्साइट पाई जाती है, तीन मुख्य क्षेत्र याद रखिए, केरता पहाड़, कुटका पहाड़ और पवन खेड़ा क्षेत्र। ठीक है, तो इन तीनों क्षेत्रों में क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिएगा कि यहां पर मुख्यतः तौर पर जो जाना जाता है ऊर्जा की नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोयला का उत्पादन है, साथ ही साथ यहाँ पर नेशनल थर्मल पावर जो है कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ का सबसे पहला एनटीपीसी जो है कोरबा में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस क्रम पर याद रखिएगा कि कोरबा में जमनीपाली क्षेत्र, ठीक है, कोरबा में जमनीपाली क्षेत्र जो है एनटीपीसी 1978, ठीक है, तो 1978 में एनटीपीसी स्थापित किया गया और यही कारण है कि इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा की नगरी कहते हैं। ठीक है, तो एनटीपीसी स्थापित करना और साथ ही साथ बॉयलर तकनीक का प्रयोग होना, ठीक है, और इसी के अंतर्गत कोयले का उत्पादन होना और इसी कोयले का प्रयोग यहाँ पर एनटीपीसी में ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसी के तौर पर देखिएगा कि यदि हम लोग यहाँ के इन बॉक्साइड के यूज की बात कर लें, ठीक है, तो बॉक्साइट का जो यूज यहां पर प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है बालको, ठीक है, 1965, तो 1965 में बालको को स्थापित किया गया। आपको जानकारी होगा कि बालको में एक अच्छे कंडीशंस का या अच्छी क्वालिटी का, ठीक है, एल्युमिनियम के चादर जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम बनाया जाता है। ठीक है, तो उस बॉक्साइट का प्रयोग करके, रॉ मटेरियल का प्रयोग करके एल्युमिनियम जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, आज एल्युमिनियम का प्रयोग जो है बड़े बड़े तौर पर होता है, हालांकि पहले इसका शुरुआत जो हुआ था बर्तनों से इसका निर्माण स्टार्ट हुआ और इसके बाद आज जो है आप किसी प्रकार से देश के क्रम पर, ठीक है, चाहे आप मिसाइल में इसका प्रयोग देख लें, हवाई जहाज में इसका प्रयोग देख लें, अलग अलग क्षेत्र पर इसका प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि एल्युमिनियम का प्रयोग आज जो है कहीं बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ठीक है, तो बालको को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि बालको में लगातार जब ऐसी स्थिति आ गई थी कि बालको जो है ये डेप्ट हो रहा था, ठीक है, यानी कि अपने उत्पादन के साथ ये कमजोर हो रहा था और घाटे में चलना चालू हुआ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया बालको के साथ, 2001 में इसके 51% को क्या कर दिया, स्टारलाइट कंपनी को बेच दिया। ठीक है, यानी बालको हमारे छत्तीसगढ़ का एक ऐसा फैक्ट्री है, ऐसा एल्युमिनियम फैक्ट्री है जिसका 51% जो है स्टारलाइट कंपनी के पास है और 49% भारत के, ठीक है, भारत का। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कारण क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके कारण जो है इसकी स्वामित्व में कमी आ गई, क्योंकि इससे पहले जो स्वामित्व था वो सार्वजनिक स्वामित्व में था, पब्लिक था, लेकिन अब जो है ये प्राइवेट स्वामित्व में चला गया है। ठीक है, इसके कारण ये घटना घटी है। चलिए, तो याद रखिएगा बालको के बारे में, जब हम लोग उद्योग पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके डिटेल और ज़्यादा है। ठीक है,
और आपको जो डिटेल मिलेगा वो थोड़े ज़्यादा डिटेल में मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ के उद्योग की और बात कर लें तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो दर्री के पास है क्षेत्र, इसे कहा जाता है स्याही मुड़ा, स्याही मुड़ी, ठीक है, नाम याद रखिएगा स्याही मुड़ी। और ये स्याही मुड़ी जो है, ठीक है, यहां पर क्या स्थापित किया गया है, सीपेट। आपको जानकारी होगा कि जो सीपेट है ये छत्तीसगढ़ का दूसरा सीपेट है, ठीक है, कोरबा में स्याही मुड़ी में स्थापित सीपेट जो है छत्तीसगढ़ का दूसरा है। पहला कहां पर है, भनपुरी में है, ठीक है, रायपुर भनपुरी में। दूसरा आपका कहां पर है, स्याही मुड़ी में, कोरबा में है, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये नए नए हैं फैक्ट, आपको जनरली इसको याद रखना होगा, ठीक है। तो स्याही मुड़ी में देखिएगा, स्याही मुड़ी जो सीपेट है, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट पेट्रोकेमिकल इंजीनियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है इसका नाम पहले क्या था, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, और इसका नाम बदल दिया गया है, अभी नाम क्या है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ऑफ टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, सॉरी टेक्नोलॉजी। तो सीपेट जो स्थापित किया गया आपके स्याही मुड़ी में है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, एक क्षेत्र है यहां पर जिसे कहा जाता है सुतर्रा ग्राम, याद रखिएगा सुतर्रा ग्राम, ठीक है। तो सुतर्रा ग्राम जो ये क्षेत्र है यहां पर फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना की गई है, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग पार्क का नाम किसके नाम पर रखा गया है, हसदेव नदी के नाम पर, यानी हसदेव फूड प्रोसेसिंग पार्क जो है वो सुतर्रा ग्राम पर है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग पार्क सुतर्रा ग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, यहीं पर है कोरबा के पास एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है दोदरो, यह है एल्युमिनियम पार्क, ठीक है, एल्युमिनियम पार्क दोदरो, याद रखिएगा एल्युमिनियम पार्क दोदरो, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, यदि हम बात करें स्याही मुड़ी, सुतर्रा ग्राम, दोदरो, तो ये सभी के सभी इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं, यानी कहने का मतलब है कि यहां पर औद्योगिक क्षेत्र है, और इसी कारण से कोरबा का जो औद्योगिकरण है या कोरबा में मुख्यतः जो औद्योगिकरण देखने को मिलता है ये सबसे ज्यादा जिलों में दिखता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा उद्योग से ऊपर, ठीक है। अब यहाँ की ऐतिहासिक और भौगोलिक संरचना की बात करते हैं, तो देखिएगा यहाँ के ऐतिहासिक और भौगोलिक संरचना के अंतर्गत यदि आप पाली से, ठीक है, पाली से कुछ दूरी पर स्थित क्षेत्र पर जाते हैं, तो सबसे पहला क्षेत्र पड़ता है इसका लाफागढ़, चैत्रगढ़, तुम्मान, ठीक है, लाफागढ़, चैत्रगढ़ और तुम्मान, ठीक है। इसके बाद आप पहुंचते हैं पौड़ी उपरोड़ा क्षेत्र, और इसके बाद क्रॉस करते हैं तो यह कहलाता है छुरी कोसगई, ठीक है, यह कहलाता है छुरी कोसगई क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, छुरी कोसगई के बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो यह वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है ककनी क्षेत्र, लेमरू, ठीक है, लेमरू के बाद मड़वारानी, ठीक है, मड़वारानी क्षेत्र। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, हालांकि मैंने इसको एक क्रम पर बनाया है क्योंकि जगह थोड़ा कम है, उसके हिसाब से हमने इसको सिर्फ याद करने के लिए बनाया है कि ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है इनके, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा इसी क्रम पर कि सबसे पहले तो देखिएगा पाली की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं पाली तहसीलों से और समझते हैं थोड़ा सा तहसीलों क्रम पर यहाँ पर क्या है पाली में, ठीक है। तो याद रखिएगा नौवीं शताब्दी के समय, ठीक है, नौवीं शताब्दी के समय यहाँ जो शिव मंदिर का निर्माण हुआ है ठीक है, तो बाणवंशी शासक, याद रखिएगा बाणवंशी शासक कौन, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य, दित्य ने पाली के शिव मंदिर का निर्माण किया, ठीक है। हालांकि पाली का नाम जो है पहले पाली नहीं हुआ करता था, झांझपुर हुआ करता था, ठीक है, तो झांझपुर के नाम से जाना जाता था, कौन, पाली, याद रखिएगा पाली जो है उस क्रम पर कि झांझपुर के नाम से जाना गया, ठीक है, झांझपुर के नाम से जाना गया, और उसी
क्रम पर याद रखिएगा कि पाली का जो शिव मंदिर है किसने बनाया था, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने बनवाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा पाली के क्रम पर कि पाली जो है आज वर्तमान की स्थिति के अनुसार जो पाली का नाम जाना जाता है वो पहले इस नाम से नहीं जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि जो क्षेत्र है, ठीक है, पाली का जो क्षेत्र है उसी के अंतर्गत अगर हम लोग पाली का क्रम देखें, ठीक है, पाली का क्रम देखते हैं तो उस क्रम पर पाली जो है पर्यटन के तौर पर, ठीक है, जाना जाता है। और इसी क्रम पर आप आगे बढ़ेंगे, पाली से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर आपका लाफागढ़ या चैतुरगढ़ का सड़क होता है, ठीक है। तो ये पतली सड़क बनी हुई है, ठीक है, वन वे कहा जा सकता है इसको, लेकिन इसका प्रयोग टू वे के तरीके से किया जाता है, ठीक है। लाफागढ़ जो है, पहले आप याद रख लीजिएगा कि चैतुरगढ़ और लाफागढ़ का कुछ स्पेशली नाम रखा गया हमारे यहाँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का काश्मीर कहते हैं और लाफागढ़ को चित्तौड़गढ़, ठीक है, याद रखिएगा लाफागढ़ को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, और चैतुरगढ़ को काश्मीर कहा जाता है, ठीक है। इसका दो मुख्य कारण है, चित्तौड़गढ़ का कहने का मतलब है कि अद्भुत किला होना, ठीक है, अभेद किला होना, ठीक है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, वेंगलर का नाम सुना होगा, ठीक है। तो जो पुरातत्व वेदा है वेंगलर, उन्होंने कहा था कि जो लाफागढ़ में जो किला बनाया गया है वो किला जो है अभेद है, ठीक है, यही कारण है कि इसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। और काश्मीर होने का कारण क्या है, या चैतुरगढ़ का काश्मीर कहने का कारण क्या है, मुख्यतः यहाँ पर ऊंचाइयों पर बसे जो क्षेत्र है, प्राकृतिक जो सुंदरता है वो काश्मीर जैसा है, इसलिए इसको काश्मीर कहा जाता है, ठीक है। हालांकि काश्मीर जैसी ठंडी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उस प्रकार की सुंदरता है या फिर प्राकृतिक जो आवास है उस प्रकार के प्राकृतिक आवास आपको मिलेंगे, ठीक है। अब उसी क्रम पर देखिएगा, हालांकि हम इसको डिटेल करेंगे और थोड़ा सा तुम्मान को थोड़ा सा याद रखिएगा, तुम्मान के साथ आपको यहां पर याद रखना है कि यहां से लेकर ये जो क्षेत्र है यानी कोरबा का जो उत्तरी क्षेत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, कलचूरी शासक के लिए, ठीक है। इन पूरे क्षेत्रों में आप जब भी जाएंगे तो आपको कलचूरी शासक का कुछ ना कुछ साक्ष्य मिलता रहेगा, ठीक है। कारण क्या है, तो कारण याद रखिएगा कि जैसे अगर हम कलचूरी शासन को बात करते हैं तो कलचूरी शासन हमारे छत्तीसगढ़ में कब से स्टार्ट हुआ, सन 1000 में, ठीक है। तो त्रिपुरी की कलचूरी, आपको जानकारी होगा कि त्रिपुरी की कलचूरी कहां से थे, जबलपुर के पास एक क्षेत्र है त्रिपुरी के पास, ठीक है, जबलपुर के पास से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक त्रिपुरी क्षेत्र है, और यहीं से त्रिपुरी जो कलचूरी शासक थे ये आक्रमण करके कहां पर, याद रखिएगा, तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाया उसने पहली बार, ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि इसको जीता था उसने किसको, पाली को, यानी जो बाणवंशी शासक था विक्रमादित्य, इनको हराया और पाली को जीता, लेकिन राजधानी किसको बनाया, तुम्मान को, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत बार पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि कलचूरी शासक का पहला राजधानी क्या था, ठीक है, तो वहां पर पाली भी लिखा रहता है, चूंकि आपको जानकारी मिलेगा कि उसने हराया पाली को था, लेकिन फिर भी उसने राजधानी किसको बनाया है, तुम्मान, ठीक है, कलिंग राज, नाम याद रखिएगा, कलिंग राज ने तुम्मान को राजधानी बनाया था, ठीक है, उस क्रम पर थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कि तुम्मान के बाद, ठीक है, तुम्मान का जो क्रम है उसके बाद आप थोड़ा सा याद रखेंगे किस पर, छुरी कोसगई पर, ठीक है। छुरी कोसगई जो है बहरेंद्र साय का गढ़ कहलाता है, ठीक है, कलचूरी शासक। हालांकि देखिए, आप लोगों को जानकारी होगा कि लगभग 200 से 250 साल जो है कलचूरियों का अंधकार वर्ष कहलाता है, ठीक है। यह अंधकार वर्ष क्या है, कि कलचूरियों का अंधकार वर्ष उसे कहते हैं क्योंकि आज देखिए वर्तमान स्थिति में हम जब इतिहास पढ़ते हैं अपने छत्तीसगढ़ का, तो हमें जानकारी होती है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन शासक कब कब शासन किया है, ठीक है। लेकिन यदि ये जानकारी ना मिले तो इसका मतलब क्या होता है, यानी आपको ये पता रहे कि छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और उस निर्माण में ये मध्य प्रदेश के साथ लगा हुआ था और उसके बाद उसके इतिहास गायब हो जाए बीच में, ठीक है। तो उसी प्रकार ऐसा इसके साथ घटना घटा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में 250 साल जो है लगभग अंधकार में चले गए, कहने का मतलब इसका कोई साक्ष्य हमको जानकारी नहीं मिलता। लेकिन जब इस अंधकार से आप बाहर निकलते हैं तो बहरेंद्र साय के बारे में जानकारी मिलती है, यानी सबसे पहली जानकारी किसके बारे में मिली है, बहरेंद्र साय के बारे में। उसने राजधानी या फिर शहर किसे बसाया था, छोरी कुसगई को, याद रखिएगा, छोरी कुसगई को बसाने वाला शासक कौन था, बहरेंद्र साय, ठीक है, याद रखिएगा। और उसी के बाद देखिएगा इसी क्रम पर कि छोरी कुसगई में किले का निर्माण कराया, ठीक है, गढ़ का निर्माण कराया छोरी कुसगई। और उसी के बाद याद रखिएगा कि इसी के अनुरूप, ठीक है, इसी के अनुरूप छोरी कुसगई का जो क्षेत्र है, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा नाम छोरी कुसगई माता, तो छुरी कोसगई माता मंदिर का निर्माण भी बहरेंद्र साय ने कराया है, ठीक है। और एक नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि इसी क्रम पर, ठीक है, यहां पर एक कोषागार का निर्माण कराया था
ठीक है, धन्य धान्य की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कोषागार का निर्माण कराया था। तो तीन चीजें याद रखिएगा, छुरी कोस गई शहर का निर्माण कराना, ठीक है, या फिर बसाना। दूसरा याद रखिएगा कि छुरी कोस गई माता मंदिर का निर्माण कराया और छुरी कोस गई में कोषागार का निर्माण कराया। तीन चीजें याद रखिएगा, किसने कराया था? भारेंद्र शाह ने कराया था, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, वापस आते हैं, देखिएगा लाफागढ़ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा यहां पर याद रखिएगा कि हमने पाली का शिव मंदिर देखा, ठीक है, किसने निर्माण कराया था? विक्रमादित्य ने, ठीक है। तो पाली का जो शिव मंदिर था, इसको निर्माण कराया बाणवंश के शासक 9वीं शताब्दी में विक्रमादित्य ने। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि इसे टूटने के बाद इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, जीर्णोद्धार किसने कराया है। देखिए जीर्णोद्धार क्या होता है कि समय दर समय क्या होता है, वो एक निर्माण है, निर्माण टूटता फूटता रहता है तो उसे रेनोवेट करना होता है, ठीक है, जीर्णोद्धार करना होता है। तो याद रखिएगा इसका जीर्णोद्धार कराया था जाजल देव प्रथम ने, ठीक है, जाजल देव प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। याद रखिएगा पाली के शिव मंदिर का निर्माण, ठीक है, तो जीर्णोद्धार कराया। और उसके बाद देखिएगा यहां पर एक मंदिर का भी निर्माण कराया गया था, उस मंदिर का नाम है प्रस्तर मंदिर, यह भी पाली में है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण भी किसने किया था? विक्रमादित्य ने किया था, ठीक है, विक्रमादित्य ने इसका निर्माण किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं लाफागढ़ की, ठीक है। तो देखिएगा मैंने कल आपको बताया था कि लाफागढ़ एक्चुअल में क्या है, तो गोरेला पिंडा जो मरवाही का जो क्षेत्र है, ठीक है, यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस पे आपको दिखेगा कि जो गोरेला पिंडा मरवाही और साथ ही साथ लोरमी का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां से बनकर आपका लोरमी जो पिंडा लोरमी का पठार है, ठीक है, उसका विस्तार कहाँ तक आ जाता है? कोरबा तक, कटघोरा तक आ जाता है, ठीक है। तो कटघोरा के क्षेत्र के अंतर्गत आपका लाफागढ़ का क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी हाइट कितनी है? 1048 मीटर, ठीक है। तो जो लाफागढ़ है, ठीक है, मेनली जो लाफागढ़ है, इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर जो किला है वो अभेद है, अभेद कहने का मतलब है इसको किसी प्रकार से आक्रमण नहीं किया जा सकता, इसे जीता नहीं जा सकता, इसलिए अभेद किला कहा जाता है लाफागढ़ का किला को, ठीक है, याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ का भी किला है, सॉरी आपका चैतुरगढ़ का भी किला है और लाफागढ़ का भी किला है, लेकिन दोनों के कंडीशंस में लाफागढ़ के किले को ही ये कहा जाता है कि यह किला जो है अभेद है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट याद रखिएगा इसके क्रम पर जो इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो है, ठीक है, इस किले का निर्माण किसने करा? देखिए किला दोनों जगह पर है, चैतुरगढ़ में भी है और लाफागढ़ में भी है, ठीक है। तो लाफागढ़ के जो किला है उसका निर्माण कराया था किसने? पृथ्वीदेव प्रथम ने, ठीक है। तो लाफागढ़ का जो किला है उसका निर्माण कराया था पृथ्वीदेव प्रथम ने। और याद रखिएगा कि यहां पर महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण, महिषासुर मर्दनी मंदिर का जो निर्माण कराया गया, ठीक है, वो रत्नदेव के द्वारा कराया गया था, ठीक है, कलचुरी शासक रत्नदेव के द्वारा कराया गया था। तो याद रखिएगा लाफागढ़ के संबंध में दो से तीन बातें याद रखिएगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट भी है। पहला तो याद रखिएगा कि यहां पर जो किला है उसका निर्माण किसने कराया था? पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया था। दूसरा, यहां पर महिषासुर मर्दिनी, देखिए महिषासुर मर्दिनी जो है चैतुरगढ़ में भी है और लाफागढ़ में भी है, दोनों मंदिर है, ठीक है। तो यहां पर किसने कराया है? रत्नदेव ने कराया है, याद रखिएगा, ठीक है, हाँ हाँ प्रथम है, ठीक है। तो उसी क्रम पर याद रखिएगा कि पृथ्वीदेव प्रथम और रत्नदेव प्रथम महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराना, ठीक है। लाफागढ़ के जैसे आप प्रवेश करेंगे, ठीक है, तो लाफागढ़ में जो है याद रखिएगा तीन द्वार हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी इन द्वारों का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। पहला द्वार का नाम है मेनका द्वार, दूसरे द्वार का नाम है हुंकारा द्वार और तीसरे द्वार का नाम है सिंह द्वार, याद रखिएगा इन तीनों द्वारों का नाम याद रखिएगा, ठीक है, मेनका, हुंकारा और सिंह द्वार। सिंह द्वार के पास जाएंगे आप, ठीक है, तो सिंह द्वार जो है ये कुछ अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यानी गणेश जी की प्रतिमा जो है इसमें आपको मिलेगी, ठीक है, नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आपका लाफागढ़ के बारे में संबंधित, ठीक है, याद रखिएगा लाफागढ़ जो है पृथ्वीदेव प्रथम ने यहां पर किले का निर्माण कराया और साथ ही साथ यहां पर महिषासुर मर्दिनी का निर्माण किसने कराया? रत्नदेव ने। यहां पर जो किला है उसके तीन द्वार हैं, मेनका, हुंकारा और सिंह द्वार है, ठीक है। चलिए ये आपका एपी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, मेनका द्वार किस किले का नाम है
और या फिर पूछा गया था लाफागढ़ के किले के प्रवेश द्वार का नाम क्या है, निम्न में से कौन सा द्वार का नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, मेनका, हुंकारा और सिंह द्वार, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, चित्तौड़गढ़ की बात कर आपका चैतुरगढ़ की बात करते हैं, तो पाली से क्रमिक अगर आप जाएंगे तो चैतुरगढ़ का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसे छत्तीसगढ़ का काश्मीर कहा जाता है, ठीक है। यहां पर देखिएगा कि यहां पर अब अगर हम लोग किले की बात करते हैं तो यहां का जो किला है किसने बनवाया था, बहरेंद्र शाह ने बनवाया था, ठीक है। यहां का किला जो है ये बहरेंद्र शाह ने बनवाया था, और यहां पर जो महिषासुर मर्दिनी मंदिर है, ठीक है, तो ये जो मंदिर है इसका निर्माण कराया था कलिंग राज ने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐतिहासिक क्रम पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, इधर से उधर डेटा ना चला जाए। तो याद रखिएगा लाफागढ़ और चैतुरगढ़, ठीक है, लाफागढ़ का जो क्षेत्र है और चैतुरगढ़ का जो क्षेत्र है उसके क्रम पर आप पहले तो उसको उसका नाम देंगे, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है लाफागढ़ को, काश्मीर कहा जाता है चैतुरगढ़ को, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि दोनों जगह पर किला है, दोनों जगह पर मंदिर है, ठीक है, और दोनों किला और दोनों मंदिर का निर्माण कैसे याद रखेंगे, तो देखिए चैतुरगढ़ जो है, ठीक है, यदि आप शासकों की बात करते हैं तो चैतुरगढ़ में शासक के तौर पर अगर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे, तो ऐसी तरीके से कि अगर यहाँ पर सबसे पहले राजधानी किसने बनाई थी, कलिंग राज ने बनाई थी, तो किला भी सबसे पहले वही बनाएगा, ठीक है। तो वहां से आप आएंगे तो तुम्मान से पहले कहाँ पड़ेगा, चैतुरगढ़, तो चैतुरगढ़ में किला बना दिया किसने, ठीक है, बहरेंद्र शाह ने, किला जो है बहरेंद्र शाह, लेकिन याद रखिएगा मंदिर का निर्माण कराया था कलिंग राज ने, ठीक है, बहरेंद्र शाह ने बहुत लेट किले का निर्माण कराया है, याद रखिएगा, उससे पहले मंदिर है आपका कलिंगराज का, ठीक है, यानी महिषासुर मर्दिनी मंदिर आ गया। और उसके बाद देखिए लाफागढ़ आएंगे तो लाफागढ़ में पृथ्वीदेव ने किला बनवाया, और साथ ही साथ जो महिषासुर मर्दिनी जो मंदिर है उसका निर्माण रतनदेव प्रथम ने किया है, ठीक है। तो ये दो नॉलेज यहां पर रखिएगा, दो फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहेगा, इसको एक से दो बार जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है भूलने में बहुत आपकी मदद करेगा, ठीक है, इसको बहुत जल्दी आप भूल जाएंगे, क्योंकि कारण क्या है, कारण यह है कि ये कब बहरेंद्र शाह नीचे आ गया और पृथ्वीदेव चाहे चैतुरगढ़ पहुंच गया पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम याद रखिएगा और उसी क्रम पर इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद देखिएगा तुमान का जो क्षेत्र है, तुमान के लिए मैंने बताया आपको कि यहां पर सबसे पहला राजधानी रहा है, ठीक है, और छुरी कोसगई का क्षेत्र भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा छुरी कोसगई के बाद बात करते हैं हम लोग एक जलाशय की, ठीक है, तो जलाशय है आपका बुका जलाशय, नाम सुना है आप लोगों ने बुका जलाशय का नाम, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस, ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहलाता है, ठीक है। बुका जलाशय बेसिकली ये पर्यटन स्थल है, ठीक है, और पर्यटन स्थल के तौर पर आपको याद रखना है दो चीजें, ठीक है, एक है आपका सैद गंगा, ठीक है, तो जो सैद गंगा है, देखिए श्वेत गंगा और सतरेंगा, ठीक है, तो याद रखिएगा श्वेत गंगा आपका मुंगेली में है और यहां पर है आपका सतरेंगा, ठीक है, तो ये क्षेत्र याद रख लीजिएगा। सतरेंगा भी बहुत ज्यादा इसे कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का गोवा, ठीक है, सतरेंगा को, और इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मॉरिशस, ठीक है, तो ये दो शब्द इंपॉर्टेंट आते हैं, याद रखिएगा। हालांकि ये दोनों क्या हैं, पर्यटन क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है अभी वोटिंग और विभिन्न प्रकार के जो है पर्यटन के संबंधित जो है करिकुलम होने लगे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन विभाग जो है ये निर्देशित करता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके संबंध में केवल आपको याद रखना है बुका जलाशय और सतरेंगा को याद रखना है कि जो कोरबा में स्थित है, ठीक है। इसके आगे देखिएगा यहाँ पर एक क्षेत्र है, ठीक है, कोरबा से आप आगे जाएंगे तो ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं देव प्रहरी, चोरनई नदी पर स्थित ये क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है, देव प्रहरी के नाम से जाना जाता है। ये वाटरफॉल भी है, ठीक है, यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है, और यहाँ पर याद रखिएगा एक वाटरफॉल जो है देव प्रहरी वाटरफॉल, और उसके अलावा यहाँ पर एक और वाटरफॉल है, ठीक है, गोविंद कुंज वाटरफॉल, ठीक है, या गोविंदपुर गोविंद कुंज झरना के नाम से जाना जाता है, गोविंद कुंज झरना, यहाँ पर झरने बहुत हैं, याद रखिएगा रानी झरना है, ठीक है, बहुत सारे पर्यटन क्षेत्र हैं कोरबा के अंतर्गत। यदि आप छोटे छोटे स्तर पर इनको देखें और जज ना करें कि ये बहुत छोटा है, तो उस स्तर पर यहाँ पर बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारे वाटरफॉल हैं, ठीक है, लेकिन जो मुख्य तौर पर जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पर्यटन के रूप में शामिल किया गया है उसमें दो या तीन जगह का ही नाम आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बुका जलाशय, देव प्रहरी और सतरेंगा, ठीक है,
इसके अलावा देखिएगा, पहुंच गए आप करतला के पास, तो करतला का जो क्षेत्र है, ठीक है, करतला जो है यहां का तहसील है, और करतला को याद रखिएगा यहां पर है कुदुरमाल, जगह का नाम है कुदुरमाल, याद रखिए कुदुरमाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्यों, क्योंकि कबीर पंथ के लिए बहुत संबंधित इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए कबीर पंथ, ठीक है, तो कबीर पंथ से संबंधित स्थल है, पहले तो याद रखिएगा, ठीक है। इसका स्थापना किसने किया था, मुक्तमणि, ठीक है, मुक्तमणि या मुक्तिमणि के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा चूड़ामणि और मुक्तिमणि दोनों अलग अलग लोग हैं, ठीक है। दामाखेड़ा से संबंधित कौन है, ठीक है, तो याद रखिएगा दामाखेड़ा आपका बलौदा बाजार क्षेत्र, ठीक है, और यहां पर आपको याद रखना है कि कबीर पंथ से संबंधित कौन है, मुक्तिमणि कुदुरमाल से, ठीक है। आपको जानकारी होगा कि कबीर पंथ का मतलब यहां पर क्या है, तो कबीर के द्वारा कहे गए जो सुनियोजित वाक्य हैं या फिर कुछ ऐसे बातें हैं जो लोगों के द्वारा माने जाते हैं, एक छोटे समुदाय के द्वारा उसको माना जाता है, ठीक है, या छोटे क्षेत्र के लोग उसको मानते हैं, तो हम उसको पंथ कहते हैं। जैसे अगर धर्म की बात करेंगे तो धर्म मतलब एक बहुत बड़े हिस्से में, बहुत बड़े क्षेत्रफल में लोग उसको जब मानते हैं, ठीक है, बहुत बड़े लोग मानते हैं, यानी कि बड़े लोग मतलब एक अधिक जनसंख्या के लोग मानते हैं, तो हम उसको धर्म कहते हैं। लेकिन अगर छोटे समुदाय के लोग जब मानते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग पंथ कहते हैं। तो पंथ के तौर पर आपको याद रखना है कि कबीर पंथ जो है कुदुरमाल जो है कबीर पंथ से संबंधित है, ठीक है, ये क्षेत्र जो है कुदुरमाल संबंधित है, याद रखिएगा। मुख्यतः दो ही क्षेत्र छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा, एक दामाखेड़ा और दूसरा कुदुरमाल, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि यदि हम लोग बात करें नदियों के क्रम पर, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यहां से देखिएगा पूर्वी कोरबा के पठार से निकलकर एक नदी जो है प्रवाहित होती है जिसका नाम है लीलागढ़ नदी, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, लीलागढ़ नदी यहां से बॉर्डर बनाता है, ठीक है, बाउंड्री बनाती है, याद रखिएगा, किसके साथ, बिलासपुर के साथ थोड़ा सा बाउंड्री बनाती है, और ये जो है मल्हार से होते हुए फिर बिलासपुर से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है, लीलागढ़ नदी, ठीक है, इसका नाम क्या है, लीलागढ़ नदी, 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, नीडला नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कुछ और फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसी के क्रम पर याद रखिएगा चलिए तो अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले तो याद रखिएगा तुम्मान के बारे में थोड़ा सा, और एक पॉइंट जो छूट रहा था उसके बारे में बात कर लेते हैं, तुम्मान के बारे में। तो तुम्मान को राजधानी बनाया किसने, कलिंगराज ने, लेकिन पृथ्वीदेव प्रथम जो है यहां पर पहुंचा, और यहां पर याद रखिएगा उसने पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराना, और साथ ही साथ बंकेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया, ठीक है, दो मंदिरों का निर्माण कराया किसने, पृथ्वीदेव ने, क्या क्या नाम है उसका, पृथ्वी देवेश्वर और बंकेश्वर मंदिर, ठीक है। बंकेश्वर मंदिर के प्रांगण में आपको याद रखना है चतुष्किंका का निर्माण कराया है, ठीक है, यानी चार पिलर का निर्माण कराया है, याद रखिएगा, ठीक है, चतुष्किंका कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि तुम्मार से पहले यहां पर ये जो क्षेत्र है, ठीक है, हालांकि ये कोयला उत्पादन वाला क्षेत्र है, तो यहां पर एक क्षेत्र जिसे कहा जाता है सेंदूरगढ़, तो सेंदूरगढ़ जो है कोयला उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसी के नीचे आपका एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है मेहरगढ़, ठीक है, तो मेहरगढ़ संबंधित है पहाड़ों से, यानी मेहरगढ़ में मुख्यतः पहाड़ों जैसे आकृतियां हैं, इसलिए मेहरगढ़ को याद रखा जाता है। तो सेंदूरगढ़ किससे संबंधित है, कोयला उत्पादन से, और मेहरगढ़ संबंधित है पहाड़ों से, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा। इसके अलावा देखिएगा कनकी शिव मंदिर की बात कर लेते हैं, देखिएगा इस तरफ जो हमने पॉइंट्स कुछ किए थे, तो याद रखिए कनकी शिव मंदिर जो है इसलिए जाना जाता है, यहां पर कनकेश्वर शिव मंदिर के लिए ये फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है, महाशिवरात्रि के समय जो है यहां पर मेला लगता है, ठीक है, कनकेश्वर शिव मंदिर ककनी, ठीक है, कंकनी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो मंदिर का नाम क्या है, कंकनेश्वर शिव मंदिर, ठीक है, या ककनी शिव मंदिर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा लेमरू को याद रखिएगा, ठीक है, तो लेमरू जो है आपको जानकारी होगा कि भारत का 31वां एलिफेंट रिजर्व है ये, ठीक है, 31st एलिफेंट रिजर्व,
ठीक है, लेमरू के नाम से जाना जाता है। और आप याद रखेंगे कि ये 2019 में इसे स्थापित किया गया है, हालांकि इसे 2015 में ही सीमांकन किया जा रहा था, लेकिन 2019 में भूपेश बघेल सरकार ने इसे क्या कर दिया गया, प्रस्तावित को घोषणा कर दिया, प्रस्तावित कर दिया, कंप्लीट कर दिया इसे। ठीक है, 2019 में कंप्लीट हुआ लेमरू। याद रखिएगा देश का 31वां एलिफेंट रिजर्व है ये, ठीक है, याद रखिएगा। काफी बड़े क्षेत्र में है एलिफेंट रिजर्व, मुख्यतः किस लिए है आपको जानकारी होगा कि यहां पर हाथियों के लिए इस क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया गया है। ठीक है, बाकी फिर आपको याद रखना थोड़ा सा मड़वा रानी के बारे में, तो मड़वा रानी मंदिर जो है आपके कोरबा जिले में स्थित है, आप इसी तरीके से बस केवल याद रखेंगे। ठीक है, इसके संबंधित थोड़े से जो इतिहास है, ठीक है, वो संबंधित है। मातिनदाई मंदिर का नाम भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा यहां पर, ठीक है, जनजातीय मुख्य मातिनदाई मंदिर जो कि मातिनगढ़ पर है, लगभग 2000 फीट में ऊंचा पहाड़, उस पर स्थित आपका मातिनदाई मंदिर। ठीक है, इस पूरे संदर्भ पर थोड़ा सा याद रख लीजिएगा इसको। एक पॉइंट, चलिए थोड़ा सा कटघोरा के पास पहुंचते हैं और कटघोरा का भी थोड़ा सा पॉइंट याद रखते हैं। तो देखिएगा कटघोरा जो है, ठीक है, ये जो कटघोरा है तो ये तहसील के तौर पर विकसित था। याद रखिएगा जितना विकसित आपका कटघोरा है उतना आपका कोरबा भी नहीं था पहले। ठीक है, कारण क्या है, सबसे पुराना तहसील के तौर पर किसे जाना जाता है, कटघोरा को। यही कारण है कि वर्तमान में आप कोरबा को देखते हैं तो कोरबा एक लेट लतीफ दिखता है थोड़ा सा, लेकिन आपको कटघोरा दिखेगा तो बायरूट दिखेगा परमानेंट। ठीक है, तो कटघोरा जो है याद रखिएगा ये सबसे पहला तहसील के तौर पर विकसित हुआ था आपका कोरबा के अंतर्गत। दूसरा याद रखिएगा कटघोरा में एक ऐसा मंदिर है जहां पर गणतंत्र दिवस के दिन मेला लगता है। ठीक है, तो भारत माता मंदिर याद रखिएगा केवल छत्तीसगढ़ में यहीं पर है। ठीक है, भारत माता मंदिर आपके गणतंत्र दिवस में मेला लगता है, वो कटघोरा में है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिए कटघोरा के लिए इस संदर्भ पर। राज्य का एकमात्र मंदिर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा कटघोरा अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी के तट पर है तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा जटाशंकर नदी के तट पर है कटघोरा। ठीक है, जटाशंकर नदी के तट पर है। आपको जानकारी होगा, आपको जानकारी होगा कि हसदेव नदी के लगभग 7 से 8 सहायक नदियां हैं, जैसे तान, झिंक, ठीक है, चोरनई, तो उसी में से याद रखिएगा कि जटाशंकर भी एक सहायक नदी है जो कटघोरा के तटीय क्षेत्र से बहता है। ठीक है, दूसरा एक नदी और याद रखिएगा, यहां से प्रवाहित होने वाला एक नदी है जिसका नाम है केंदई। केंदई, ठीक है, याद रखिएगा केंदई नदी पर ही केंदई वाटरफॉल है। ठीक है, तो याद रखिएगा NH 130 में आपको गुजरते हुए नजर आएगा, हालांकि थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन ये इस NH के समीप ही है, याद रखिएगा। ठीक है, केंदई वाटरफॉल। ठीक है, अब उसी के संदर्भ पर देखिएगा, तो यहां तक याद रखिएगा, ये काफी है मतलब इसके संदर्भ पर। ठीक है, अब एक लास्ट जो पॉइंट है, हम लोग परियोजना की थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोरबा के पास, ठीक है, कोरबा के पास एक परियोजना बनाया गया है जिसे कहा जाता है हसदेव परियोजना। ठीक है, और इसका अन्य नाम है मिनी माता परियोजना। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली सांसद महिला जिनके नाम पर यह परियोजना का नाम रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1967 में स्थापित यह परियोजना, ठीक है, बहुदेशी परियोजना है, याद रखिएगा, यानी छत्तीसगढ़ की बहुदेशी परियोजना, साथ ही साथ सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा परियोजना है। ठीक है, 87 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और इस पर जल विद्युत परियोजना भी चलाया जा रहा है जिसमें आपको याद रखना है 120 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना जो है इसमें चलाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा। तो आपको याद रखना है परियोजना का नाम है हसदेव बांगो परियोजना, मिनी माता परियोजना के नाम से जाना जाता है, और 1967 में ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इसको पूर्ण होने में 2011 तक का समय लग गया, यानी ये पूर्ण हुआ है कब तक, 2011 तक में, याद रखिएगा। ठीक है, 1967 में ये प्रारंभ हुआ, 87 मीटर इसकी हाइट है और 120 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की जा रही है यहां पर।
ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये था संबंध आपका कोरबा का, ठीक है। जनरली आपको थोड़ा सा याद रखना है केरता पहाड़, पुटका पहाड़ और पवन खेड़ा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए कोयले के उत्पादन में आप इसका नाम पहले भी सुन चुके हैं, रामपुर सुन चुके हैं, मुकुंद घाट सुन चुके हैं, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, ये सभी नाम सुन चुके हैं, सभी कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है केरता पहाड़, पुटका पहाड़ और पवन खेड़ा, ठीक है। और एक नाम आप थोड़ा सा और याद रखिएगा मेहरगढ़ के लिए, पौना पारा, पौना पारा, तो याद रखिएगा ये पहाड़ का नाम है यहाँ का, पौना पारा, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा। तो ये था आपका कोरबा जिला, जिसमें हमने इसके ऐतिहासिक क्रम को भी देखा, पर्यटन क्षेत्र को भी देख लिया है, ठीक है, और साथ ही साथ इसके जितने प्रशासनिक क्षेत्र थे प्रशासनिक क्षेत्र को भी समझा, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा कि भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत अगर आपने इसको एक बार पढ़ लिया है तो मोटा मोटी आपको एक जानकारी मिल गया है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला जो है बाकी जिलों से क्यों अलग है, ठीक है। जैसे वहां पर सियाईमुड़ी क्षेत्र, सतरेंगा क्षेत्र, ठीक है, हल्दी बाजार क्षेत्र, ठीक है, हल्दी बाजार क्षेत्र ही है, हल्दी बाजार क्षेत्र, दर्री, ये दोनों आपके नए तहसीलों के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, हल्दी बाजार और दर्री क्षेत्र, ठीक है, देवप्रहरी, दोदरो क्षेत्र, बालको क्षेत्र, कोरबा, ठीक है, एनडीपीसी, और इसके अलावा फिर आपका बूका जलाशय, छुरी कोस गई, ये सभी मुख्य क्षेत्रों में शामिल होते हैं और ये जो है कोरबा को एक मुख्य क्षेत्र के तौर पर बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम लोग थोड़े से बात करेंगे इसके बारे में, भूगर्भिक संरचना के बारे में,